नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और NCERT बुक से बायो के हिंदी में एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि NCERT की जो लाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो थोड़ी टफ़ होती है, जल्दी समझ में नहीं आती है। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश का हिंदी कन्वर्ट करके बताती हूँ और साथ में आपको टॉपिक के भी एक्सप्लेनेशन में दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का बायो का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक 18.1.4 कोगुलेशन ऑफ ब्लड टॉपिक को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ऐसा जानते हैं कि अगर आपकी उंगली कट जाती है, फिंगर कट जाती है या आपको चोट लग जाता है, तो जो उंड है, जो घाव है, वो कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। यूजली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ देर बाद जो ब्लड है वो फ्लो करना, बाहर निकलना बंद हो जाता है। डू यू नो व्हाई, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। ब्लड जो है वो अपनी कोगुलेशन और क्लॉटिंग यानी जमने की प्रॉपर्टी को शो करता है जब भी कोई इंजरी होती है या ट्रॉमा या कोई चोट लगता है या फिर कोई कट होता है। तो दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। ये एक मैकेनिज्म है अपने बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने का। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे इंजरी होती है फिर जहाँ पे कट जाता है वहाँ पे डार्क रेडिश जो है स्कम मार्क जो है वो बन जाता है। इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फाउंड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल फाइब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। ये जो क्लॉट और कोगुलम है वो बनता कैसे है? तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, जिसको फाइब्रिन कहते हैं। और ये फाइब्रिन कैसे बनता है? तो डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में से उसमें ट्रैप हो जाते हैं और उस वजह से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और मार्क हमें दिखने लगता है। फाइब्रिन्स आर फाउंड बाई कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाई एंजाइम थ्रोम्बिन। फाइब्रिन का फॉर्मेशन हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फाइब्रिनोजन नाम का जो एंजाइम होता है वो थ्रोम्बिन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। यानी कि इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, इसको मैं अगर बनाऊंगी तो फाइब्रिनोजन इनएक्टिव, एक सेकेंड, हाँ, फाइब्रिनोजन जो कि होता है इनएक्टिव, और ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फाउंड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन है वो हमारे ही ब्लड में, एक ब्लड के प्लाज्मा में एक और एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिन, उससे थ्रोम्बिन बनता है। तो वापस एक बार देखेंगे, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है जो कि थ्रोम्बिन बनाता है, और ये जो थ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम चाहिए। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा एक सीरीज होता है, और तब ये ब्लड का जो है वो क्लॉटिंग होता है। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। बहुत सारे ब्लड प्लाज्मा में जो फैक्टर्स वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं जो पहले एक्टिव होते हैं। एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स। हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जब हमें चोट लगती है या ट्रॉमा, कोई भी प्रॉब्लम होता है, उस टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करता है विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, जो कि कोगुलेशन को मैकेनिज्म को बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो
कैन इनिशिएट कोगुलेशन। बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर हैं वो टिश्यू से रिलीज होते हैं इंजरी के साइट पे, जो कि कोगुलेशन को इनिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं। कैल्शियम आयंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कैल्शियम आयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनता है, ये जो है कैल्शियम आयन क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, और फिर ये जो थ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और जो फाइब्रिन है उसमें जो डेड एलिमेंट्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, जिस वजह से ब्लड जो है वो कोगुलेट हो जाता है। तो यहाँ तो ये टॉपिक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको लिम्फ टिश्यू फ्लूइड के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें।